हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, और अच्छे होने ही चाहिए, अच्छे रहने चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं पावर डायरेक्टर ऐप के ऊपर पूरी फुल सीरीज़ और या ट्यूटोरियल जो भी होता है, मतलब पूरी लेके आऊँगा आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए। जो किसी को समझ नहीं आता, किसी को नहीं आता, तो उसके लिए ये वीडियो मेरी हेल्प करेगी। सो उससे उसके बाद की वीडियो के हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें वाटर मार्क, सबसे पहला जो काम होता है हमें वो ऐप चाहिए जिसमें वाटर मार्क ना हो। तो उसका वो वीडियो हमने आपने देखी होगी। तो उसके बाद की जो ओपन होता है, जो हम जब हम ओपन करते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो मेरे इंटरफेस पे, जो मैंने पावर डायरेक्टर ऐप ओपन करी हुई है, और इसमें सिंपली सबसे पहला ऑप्शन आता है न्यू प्रोजेक्ट पे। सिंपल है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपली कि जो यहाँ सबसे पहले ये प्रोजेक्ट नेम लिखा हुआ, आप यहाँ पे जो वीडियो एडिट कर रहे हो या उसको जो जो भी नाम देना चाहते हो, आप यहाँ पे वो नाम टाइपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है, ये आप ये देख सकते हो। इसमें से आपको वीडियो यूट्यूब के लिए चाहिए, या हाइट में शॉर्ट वीडियो चाहिए, इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, या फुल स्क्रीन चाहिए, या कुछ भी देखो, आप सारे कुछ ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। तो अगर आपको यूट्यूब ज़्यादातर, अब नॉर्मली नॉर्मल सी बात है, आपको यूट्यूब के लिए चाहिए होगी, तो आपको यूट्यूब के लिए होता है 16:9:9, ठीक है। तो हमें सिंपली 16:9 पे क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज, आप देख सकते हैं ऐसे इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे ऊपर देख सकते हैं आप वीडियो का ऑप्शन है, उसके नीचे फ़ोटो, और उसके नीचे वीडियो टेम्पलेट, और उसके नीचे म्यूजिक है। लास्ट में आपको म्यूजिक का फंक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने सारे वीडियोस खुल गई हैं। आपको सिंपली किसी भी वीडियो पे, अगर जो भी आपको वीडियो ऐड करनी है जिसके ऊपर आप एडिट कर रहे हो, आपको सिंपली ऐसे किसी भी एक वीडियो पे क्लिक कर देना है। किसी पे भी क्लिक कर सकते हो, आप देख सकते हो जैसे आपने ये एडिट किया है। इसमें आपको सिंपली आप चाहते हो तो आप ऐसे टाइप करके रख के ऐसे उठा के भी डाल सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं डालनी है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करके प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो आपके सामने ये वीडियो आ जाएगी। उसके बाद अगर आपको फ़ोटो डालनी है, वो फ़ोटो का ऑप्शन भी आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तीसरे में देखो, सिंपली फ़ोटो का भी ऑप्शन सेम वैसे ही होता है जैसे वीडियोज़ में आपको बताया मैंने। उसके थर्ड नंबर पर आता है वीडियो टेम्पलेट। आप इसमें देख सकते हो, आप ये सारे टेम्पलेट्स हैं, आप इनको कैसे भी यूज़ कर, जो इंट्रो होते हैं या जो लास्ट में आता है वो भी, आउट्रो जो भी है वो भी आप यहाँ से, मतलब वही हैं सारे इंट्रो और आउट्रो। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, इसका इंटरफेस कुछ ऐसा होता है, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपली टाइप ही करके आप वेलकम टू आवर चैनल, आप वेलकम अपना चैनल का नेम वगैरह जो भी है आप कुछ कर सकते हो इसमें, ठीक है। इंट्रो बना सकते हो चैनल का, ये सारे कुछ फ्री होते हैं। और उसके लास्ट में आता है म्यूजिक ऑप्शन, आपको उस म्यूजिक में भी सेम का सेम वैसा ही करना है। आपको देखो, पहला है म्यूजिक, म्यूज़िक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। साउंड क्लिप में आपको जैसे किसी भी एनिमल उसकी वॉइस मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पे सिंपली किसी भी वे, और बाकी जो ए बी सी डी में इनके अंदर भी ट्यून जैसे देख सकते हो आप, टोन है मतलब ऐसे रिंग टोन टाइप है, जैसे छोटी स्मॉल साइज़ की म्यूज़िक होता है इसमें, इनको भी आप ले सकते हो। और आप ये देख सकते हो डाउनलोडेड जो है, मतलब मेरा ये फोल्डर है, ये मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। और उसके बाद आप देख सकते हो आगे, ये मेरे जो अपने मेरे म्यूजिक फोल्डर हैं, गढ़ वाले MP3 सॉन्ग, रिंग टोन, म्यूज़िक, व्हाट्सएप ऑडियो वगैरह। सिंपली आपको अगर देखो, मैं आपको म्यूज़िक ऐड करके भी दिखा देता हूँ। जैसे आपको अपने ये पहले वाले पे क्लिक किया, ये डाउनलोड नहीं होता है, आपने मतलब करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। आपको अगर इसको ऐड करना, आप पहले सुनना चाहोगे, तो ये जो ये वाला ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो गाना जो सॉन्ग होता है वो चलने लग पड़ेगा, ठीक है। तो आप सुनने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके साथ में ये जो प्लस का आइकन बना है, उसको सिंपली आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, और एक गाना ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। इसके साथ में नीचे देख सकते हो आप, अब बारी आती है जैसे ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप जो भी इस पे ओके करने के बाद जो भी आपके फ़ोटोज़, सॉन्ग वगैरह कुछ भी आप एडिट, जो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, करना चाहते हो, वो आपको आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट वाले लेयर में वो यहाँ पे आएगा, इस वाले फर्स्ट वाले ऑप्शन का। और इसके बाद जो सेकेंड लेयर है, इसका आएगा आपका इस सेकेंड वाले लेयर में, ठीक है गाइस, समझ रहे हो।
अब इसके बाद आता है गाइस, आपने जैसे ये वीडियो ऐड किया हुआ है, इसमें सॉन्ग भी ऐड किया हुआ है, और आपको इसमें जैसे कुछ लेटर्स टाइप करना है, जैसे मतलब कुछ लिखा हुआ आपको ऐड करना है, तो आपको सिंपली ये दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब आप ये देख सकते हो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। ये देखो, देख सकते हो आप, अलग अलग इंट्रो या टाइपिंग, अलग डिज़ाइन में आप किसी को भी ले सकते हो, बहुत सारे हैं। देखो, आपको पहले ये भी सारे डाउनलोड करने पड़ेंगे उसके बाद, लेकिन आपको ये सब तभी मिलेंगे जब आपने जो रिमूवल, जो वाटरमार्क नहीं होता जिसमें, वो वाला अगर पावर डायरेक्टर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो ही आपको ये सब फ्री मिलेंगे, नहीं है? नहीं तो आपको ये सारा पूरी की पूरी एप्लीकेशन परचेज करनी पड़ेगी, मतलब जो VIP वगैरह जो इफेक्ट होते हैं सारे कुछ, तभी आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद सेम नीचे वही हो जाता है, वीडियोज़, फ़ोटो, उसके बाद होता है स्टिकर। स्टिकर में भी गाइस आप देख सकते हो, अलग अलग अगर किसी पे क्लिक करते हो तो उसके अंदर खुल जाएंगे सारे। आपको इनमें से किसी भी कोई भी लेना है तो इतने सारे फोल्डर हैं, आप किसी जो भी चाहिए होगा आपको ले सकते हो। तो उसके बाद न्यू होता है, इसमें देखो ये नए हुए हैं कुछ, ये फ्री हैं, ये डाउनलोड डाउनलोडेड होंगे जो मतलब ऑलरेडी डाउनलोड अपने आप हो रखे होते हैं। नहीं, ये भी मुझे डाउनलोड करने पड़े, नहीं डाउनलोड हो रखे हैं। उसके बाद लास्ट में आता है गाइज ओवरले का ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी जैसे बेस्ट सीनरी होती हैं वीडियोज़, छोटी छोटी स्मॉल साइज़ की, ये वो वाले से। इसमें देखो, मैं आपको एक दिखा देता हूँ, इसका इफेक्ट देखो ऐसा, अगर जैसे आपने किसी वीडियो में ऐड करना है इसको, तो इफेक्ट के तौर पे इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो सिंपली गाइज आपने, और इसमें एक और एक दो ऑप्शन और है, देखो तीसरा ऑप्शन ये है एरो, जो एरो बना हुआ है, इससे काम क्या होता है गाइज, जैसे आपने कुछ भी एडिट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे हमने इस वीडियो को दो पार्ट में बांट दिया, ठीक है, एक पार्टी है, दूसरा पार्टी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब इससे देखना आप क्या होता है, देखिए ये वीडियो को देखते रहना आप, वीडियो में आपको पता लग जाएगा अपने आप क्या होता है। देखो, जब मैंने इसके दो पार्ट किए हुए थे ना, ये एरो पे क्लिक करके वो वापस हो गया है, ठीक है। और सेम जो इसके नीचे वाला एरो है, इसका भी ऑप्शन ऐसा ही है, ये देख सकते हो। इसका भी यही काम है, ऊपर वाले का काम है बैक करना, और ऊपर नीचे वाले का काम है वापस एक स्टेप आगे ले जाना। तो इस पर क्लिक करके देखते हैं, देखो देख सकते हो आप सामने गाइज, जो वीडियो है जो दो भागों में बंट गई है, दो पार्ट में बंट गई है, ठीक है। तो इन दोनों का काम ये होता है। तो गाइज़ आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। आगे भी मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा, और अच्छी क्वालिटी में, अच्छी ऑडियो क्वालिटी, सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि अभी मेरे पास इतना कुछ प्रॉपर नहीं है, तो मैं धीरे धीरे करके सारा कुछ ऐड ऑन कर दूँगा धीरे धीरे, ऊपर वाले की मर्जी रहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को अंत तक देखना गाइज़, स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को पूरा देखना। तो कैसी लगी आपको वीडियो गाइज़, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अगर कोई इश्यू आए, समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लास्ट तक देखने के वीडियो के लिए शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।